नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो काफी नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पर एसएससी जीडी भर्ती को लेकर काफी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, यानी कि ये भर्ती आपकी आने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर 25,000 पर ये भर्ती थी, 25,000 पोस्ट पर जारी हुई थी, उसके बाद में बढ़ते बढ़ते ये टोटल 45,000 से 46,000 पदों पर ये भर्ती आई थी। ठीक है, इस बार भी यहाँ पर पूरा अनुमान है कि जो आपकी भर्ती है वो तकरीबन 45,000 से 50,000 पदों पर आपकी जारी होने वाली है। यानी कि फर्स्ट में तो 25,000 पद रहेंगे, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते आपके तकरीबन 40,000 से 50,000 पदों के तकरीबन यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि इसके लिए जो फोरम है वो कब लगेंगे, साथ में फीस क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया, उसके बाद में चयन प्रक्रिया हो गई, उसके बाद में इसमें सैलरी हो गई, एग्जाम डेट हो गया, पूरी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो उसके बाद में आप नोटिस स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है अब आपका 5 तारीख को, ठीक है, 5 सितंबर 2024 को अब स्क्रीन पर जैसे कि नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, अब आपका जो नोटिफिकेशन है वो 5 तारीख को जारी हो जाएगा। यानी 5 तारीख से आपके जो फोरम है वो एक तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर एज पर द टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024-2025 नोटिस ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPFS हो गया, SSF हो गया, साथ में SSF राइफलमैन हो गया, ठीक है, उसके बाद में आसाम राइफल हो गया, ठीक है, सेफ इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, इन सभी में जो भर्ती है आपकी वो निकलने वाली है। अभी यहाँ पर जो आपकी फोरम है वो आपके 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 5 सितंबर के बाद में यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूं कि आपका जो फोरम फीस है वो कितना लगेगा। देखो, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इनके लिए आपके 100 रुपए लगेगा, यानी कि फोरम फीस आपका 100 रुपए लगेगा। बाकी जो एससी और एसटी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर फ्री में रहेगा। योग्यता की बात करें, बिल्कुल 10th पास भर्ती है, यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने 10th पास कर रखा है, 12th भी पास अगर आपने नहीं किया है तो आप इस भर्ती में एक तरीके से आप भागीदारी दे सकते हो। उसके बाद में एज लिमिट की यहां पर बात करते हैं, एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर 23 साल आपकी रखी जाएगी। अब देखो, वो एक तरीके से आपकी डेट अनाउंस होगी, जैसे कि 1 जनवरी 2025 तक आपके 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरीके का नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो वहां पर आपको ये जो एज लिमिट है वो दी जाएगी, ठीक है, यानी कि 18 से 23 साल तक तो आपकी रहेगी। साथ में जो स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको 5 साल की एज रिलैक्शन मिलेगा, यानी कि जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको तकरीबन 27 से 28 साल तक की यहाँ पर एक तरह से मोहलत आपको मिलेगी। अब सिलेबस और पैटर्न का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से ही आपको मिलेगी, तो वीडियो पर आप एंड तक जरूर बने रहना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, बात करते हैं यहाँ पर आपके सिलेबस की और साथ में जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर टोटल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यानी कि 160 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, जो कि 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट 20 नंबर का रहेगा, जिसमें जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा और साथ में हिंदी इंग्लिश रहेगा। इसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर चयन प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी। देखो, इसमें फर्स्ट में क्या है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एग्जाम डेट मैं आपको क्लियर करूंगा, एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद में पीईटी पीएसटी होता है, यानी कि एक तरीके से फिजिकल टेस्ट होता है। अब फिजिकल टेस्ट का मैं एक बार डायरेक्ट आपको क्लियर कर देता हूँ कि कितना क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी अपडेट है वो आप सभी छात्रों को स्क्रीन पर ही एक तरीके से वो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के बाद में आपका डायरेक्ट उसके बाद में मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद में आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अब देखो, यहाँ पर जनरल के लिए कितनी हाइट चाहिए होगी, साथ में एससी एसटी कैटेगरी के लिए कितनी हाइट वगैरह चाहिए होगी, ये पूरी जानकारी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट में बात करते हैं मेल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है जनरल ओबीसी के, उनकी 170 आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि 170 सेंटीमीटर, और फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ पर जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनकी 162.5% आपकी सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। साथ में एसएससी जीडी हाइट फॉर फीमेल के लिए आपकी 150 होनी चाहिए, बाकी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो, ठीक है। उसके बाद में बाकी की लिस्ट आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो। अब नेक्स्ट यहां पर मैं बात करता हूं कि यहां पर जो एज रिलैक्शन है वो किस तरीके से मिलता है, जैसे मेल को है, जैसे अनएक्सपेंडेड सेंटीमीटर हो गया या मिनिमम एक्सपेंशन सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, वो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां पर
मैंने पूरा एक तरीके से फॉर्मेट है वो मैंने डाल दिया, ये आप खुद से देख सकते हो। अब नेक्स्ट आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखो इसमें जो आपकी रनिंग है, रनिंग कितना क्या रहता है, जैसे बात करें मेल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। फीमेल की बात करें तो उनकी 1600 मीटर की रनिंग होती है जो कि तकरीबन आपको 8.5 मिनट में है वो कंप्लीट करनी होती है। ये जानकारी आप सभी छात्रों के लिए काफी फायदेमंद थी जो कि मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेल एंड फीमेल के लिए। अब देखो कैंडिडेट्स अदर देन लद्दाख रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको टाइम मिलेगा, साथ में 1600 मीटर का आपको टाइम मिलेगा 8.5 मिनट में जो कि फीमेल के लिए रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, देखो मेल फीमेल के लिए मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, साथ में मेल के लिए फीमेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग रहेगी। 1600 मीटर में फीमेल को 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और मेल को 5 किलोमीटर में 24 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। एज इलेक्शन आपको यहां पर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर अगर आपका जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद में आपका डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाता है एक तरीके से। सैलरीज में लेवल 3 की आपकी सैलरी रहती है जो कि 25,000 से तकरीबन मैक्सिमम 70,000 रुपए तक आपकी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम डेट की। अब देखो एग्जाम इसका बिल्कुल संभावित डेट आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, लेकिन कंफर्म हो सकता है कि जनवरी फरवरी 2025 में इसका एग्जाम है वो आपका होने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब देखो उसके लिए जो फोरम है वो आपके 5 सितंबर 2024 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे तो यहां पर नोटिस में दे रखा है जो कि आपने देख भी लिया होगा, यहीं से आपको पता लग जाएगा। अब जो जितने भी स्टूडेंट है एसएससी जीडी की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आप तैयारी में विलीन हो जाना, अब आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। आपके सब्जेक्ट रहेंगे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग पढ़ सकते हो, रीजनिंग अगर ऑलरेडी पढ़ा है तो अच्छी बात है, रीजनिंग पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, जीके, ठीक है, जीके आपका पूरा आएगा जो कि इंडिया लेवल का जीके रहने वाला है। उसके बाद में आपका हिंदी इंग्लिश आएगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके नॉर्मल सब्जेक्ट रहते हैं, बाकी इतना हार्ड पेपर एसएससी जीडी का नहीं आता जितना एसएससी एमटीएस वगैरह का जो पेपर आता है उससे तो इजी पेपर रहता है, बाकी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। और तकरीबन इस बार तो 50,000 यानी 45 से 50,000 तकरीबन आपकी सीटें वगैरह रह सकती है, बाकी अगर इससे भी ज्यादा बढ़ती है तो जब नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया जाएगा। यहां पर आपके जितने भी जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, बाकी आपका जब 5 तारीख को नोटिफिकेशन मतलब कि जब आपका फॉर्म स्टार्ट होता है उससे पहले नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या और भी जो बाउंडेशन रखी जाती है वो क्या क्या रहेगी, वो भी वहीं से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।